कपिल शर्मा शो पर खानदानी शफाखाना को प्रमोट करने पहुंचे सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह। शो की शुरुआत में कपिल स्टेज पर आकर मूवी और उनके इन्फ्लुएंस की बात करते दिखे, जिसके बाद कपिल ने हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म्स के बीच में डिफरेंस बताया। कपिल ने ऑडियंस से एक ऐसी मूवी भी पूछी जिसने उनकी लाइफ बदल दी। इसके बाद कपिल ने स्टेज पर सोनाक्षी सिन्हा और बादशाह को इन्वाइट किया। सोनाक्षी और बादशाह ने अपनी मूवी के बारे में बात की। बादशाह ने कपिल को बताया कि उन्होंने ये स्टेज नेम शाहरुख की मूवी बादशाह से इन्फ्लुएंस होकर रखा। सोनाक्षी ने बताया कि उनकी मॉम ने उनका फर्स्ट पेचेक फ्रेम करवा कर रखा है, जिसके बाद कपिल ने ऑडियंस से उनके फर्स्ट पेचेक के बारे में पूछा। द कपिल शर्मा शो के बाकी के कैरेक्टर्स भी इस हंसी मजाक का हिस्सा बने। स्टेज पर ऑडियंस इंटरेक्शन के बाद एंट्री हुई अच्छा यादव की। अच्छा यादव ने सबको अपने लेम जोक से खूब हंसाया। अच्छा ने सोनाक्षी को ज्योतिषी बनकर उनका प्रेजेंट भी बताया। कपिल ने बादशाह के फर्स्ट रैप के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपना फर्स्ट रैप मैथ्स टीचर के लिए लिखा था। बातों बातों में सोनाक्षी के फैशन डिजाइनर होने की बात भी सामने आई। एंड में एंट्री हुई सपना की, जिसने स्टेज पर आकर बादशाह और सोनाक्षी को अपने अजीबो गरीब मसाजिस के बारे में बताया। ओवरऑल ये एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शफाखाना भी रिलीज हो चुकी है।